डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द के अल्फा रेडिएशन ऑफ एम ओ मॉलिब्डेनम जेड इक्वल टू 42 दिया हुआ है, हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.71 एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेडिएशंस ऑफ कॉपर, दैट इज के अल्फा ऑफ कॉपर जेड इक्वल टू 29 और एज्यूमिंग सिग्मा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया 1.52 एंगस्ट्रॉम, बी दिया 5.14 एंगस्ट्रॉम, सी दिया 3.02 एंगस्ट्रॉम और डी दिया 0.52 एंगस्ट्रॉम। अब क्या यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए आपको के अल्फा वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है और किसकी दी गई, मॉलिब्डेनम की, साथ में उसका हमें एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, जेड इक्वल टू 42 दिया है, और इसकी वेवलेंथ जो दी गई है वो दी गई है 0.71 एंगस्ट्रॉम। और आपसे कह रहा है कि के अल्फा ऑफ कॉपर को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या करेंगे, मोज़ले इक्वेशन लगाएंगे और हम यहाँ पर मोज़ले इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको समझ में आता है कि मोज़ले इक्वेशन जो है ये क्या होती है, रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस सिग्मा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू इन्होंने क्या किया, 1 दे दिया है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं रूट न्यू इक्वल टू हो जाएगा ए जेड माइनस 1। समझ में आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए न्यू कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा ए जेड माइनस 1 और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यू क्या है, न्यू तो फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बट आपको दिया क्या है, वेवलेंथ दिया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर वेवलेंथ ले आते हैं, तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, तो सी बाई लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा ए जेड माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि सी क्या है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा जो होगी वो वेवलेंथ हो गई, और ए जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। जेड आपको समझ में आता है कि जेड जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमने मॉलिब्डेनम के लिए इसको बनाया, तो मॉलिब्डेनम के लिए अगर हम इसको देखें तो ये इक्वेशन बन जाएगी सी बाई लैम्डा मॉलिब्डेनम इक्वल टू हो जाएगा ए कॉमा ए ब्रैकेट में जेड की वैल्यू कितनी है, 42 है, तो ये 42 माइनस 1 और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम कॉपर के लिए बना दें तो ये सी इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा 29 माइनस 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको कैलकुलेशन किसकी करनी है, तो हमें वेवलेंथ कॉपर की कैलकुलेट करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, तो लैम्डा कॉपर बाई लैम्डा मॉलिब्डेनम इक्वल टू हो जाएगा क्या, इक्वल टू देखिए ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो कितनी है, 42 माइनस 1 है, यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 41, तो ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 28, तो ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब लैम्डा कॉपर इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा मॉलिब्डेनम,
इंटू 41 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 28 का स्क्वायर हो जाएगा। अब लैम्डा मॉलिब्डेनम की वैल्यू कितनी दी गई है, दी है 0.71, तो ये 0.71 एंगस्ट्रॉम है, इंटू हो जाएगा 41 इंटू 41 बाई कितना हो जाएगा 28 इंटू 28। इसको जब आप सॉल्व करके लाएंगे तो ये वैल्यू 1.52 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है, तो इस वजह से यहाँ पर आंसर जो होगा वो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जीज ऑफ द एनर्जी लेवल ए बी एंड सी फॉर द गिवन एटम आर इन द सीक्वेंस ई ए लेस देन ई बी लेस देन ई सी। इसका मतलब है कि आपको तीन एनर्जी लेवल दिए गए हैं और उन तीन एनर्जी लेवल में सी की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बी की है, उसके बाद ए की है। चलिए बट ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ़ द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर एमिटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सी टू बी। सी टू बी यानी कि सी टू बी अगर है तो लैम्डा 1 है, तो भाई सी से बी पे आया तो क्या हुआ, लैम्डा 1 है। ठीक है, बी टू ए, बी टू ए जो है वो क्या है, लैम्डा 2 है। एंड कह रहा है कि सी टू ए और सी टू ए जो है वो क्या है, लैम्डा 3 है। बात को समझ में आई ना, वो कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि भाई एनर्जी जो है वो सी की सबसे ज़्यादा है, बी की उससे कम, ए की और कम है, और उसके बाद में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीन ट्रांजिशन हमको मिले हैं, तीन वेवलेंथ मिली हैं, कम मिली है जब वो सी टू बी गया है, तो सी टू बी गया लैम्डा 1, बी टू ए गया लैम्डा 2 और सी टू ए गया लैम्डा 3। अच्छा, कह रहे कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपको चार रिलेशन दिया है, पहला दिया है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0, दूसरा दिया लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, तीसरा दिया लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और चौथा दिया है लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो चलो भाई हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि सी टू ए अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बट फॉर्मूले में जब आप देखते हो तो ये वैल्यू क्या आती है, 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यू 3 इक्वल टू हो जाएगा क्या, न्यू 1 प्लस न्यू 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये सी बाई लैम्डा 3 इक्वल टू हो जाएगा सी बाई लैम्डा 1 प्लस सी बाई लैम्डा 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या होगा, एलसीएम आप ले लोगे और जब आप एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 बाई लैम्डा 3 इक्वल टू हो जाएगा क्या, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 और बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। ठीक है, तो लैम्डा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, इसको रिवर्स कर दो और बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपका आएगा। अब यहाँ पर आप सोच लो कौन सा आंसर सही आ रहा है, तो सही आंसर जो आ रहा है वो इसका कौन सा आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्सप्रेस्ड एज en इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लैमन सीरीज विल बी। देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया है इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, यहाँ पर बस एक रिलेशन आपको माइंड में सेट करने के लिए इन्होंने दिया हुआ है, बाकी आपको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन ए दिया हुआ 910 एंगस्ट्रॉम एंड 1213 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर दिया है अगला, बी दिया हुआ है 5463 एंगस्ट्रॉम एंड 7858 एंगस्ट्रॉम, सी दिया हुआ है 1315 एंगस्ट्रॉम एंड 1530 एंगस्ट्रॉम और डी नन ऑफ दीज दिया है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। सबसे पहले देखो ये जो फॉर्मूला दिया है इससे रिलेशन क्या आप देख सकते हो, आपको याद आ रहा है कि इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा के। ठीक है, वेवलेंथ के। अब अगर मेरे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, अगर मेरे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी यानी कि मेरे पास लैम्डा मिनिमम है, तो उसकी एनर्जी जो होगी वो कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उस ट्रांजिशन की एनर्जी जो होगी वो कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी एन वन की वैल्यू वन होगी तो यहाँ पर एन टू की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई ना, बट ट्रांजिशन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ट्रांजिशन होगा, एन वन की वैल्यू वन है और एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
दूसरा वो कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अगर मैं लैम्डा मैक्सिमम को कैलकुलेट करता हूँ, लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करता हूँ, तो उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या, उस ट्रांजिशन की एनर्जी कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम एन वन की वैल्यू वन लेंगे तो जस्ट इसके ऊपर वाला जो होगा यानी एन टू जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। यही डिस्टेंस जो होगी, यही एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी, मिनिमम होगी, और ये एनर्जी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर एन टू की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम को समझ लिया कि यहाँ पर हम एन वन और एन टू की वैल्यू को क्या देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात देखो, लाइमन सीरीज दिया है तो एन वन की वैल्यू यहाँ पर वन ही रहेगी दोनों ही केस में, और एन टू की वैल्यू उधर टू और उधर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो चलो भैया अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडबर्ग फार्मूला हम लगाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा वन बाई लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच जेड स्क्वायर। अब देखना जरा, हाइड्रोजन एटम दिया है तो जेड की वैल्यू वन कर देते हैं, तो एन जेड स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पर वन कर दी। ये हो जाएगा क्या, वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे जेड स्क्वायर लिख देते हैं, अभी हाइड्रोजन में हटा देंगे आगे, है ना। चलो अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, वन बाई लैम्डा मिनिमम कर दिया। ठीक है, पहले हमको दिया है लैम्डा मिनिमम, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। आर एच की वैल्यू, आर एच लिख दिया, आर एच की वैल्यू चलो पुट कर देते हैं। आर एच की वैल्यू 1.1 × 10⁻⁷ मीटर होती है, इनवर्स होती है। ठीक है ना, अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जेड की वैल्यू वन हो जाएगी, वन बाई एन वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर। तो एन वन की वैल्यू मिनिमम के लिए दे रहा, सोचो तो मिनिमम के लिए एन वन की वैल्यू वन और एन टू की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि वन बाई लैम्डा मिनिमम जो आएगा ये आपका आ जाएगा क्या, 1.1 × 10⁷ हो जाएगा। इसका मतलब कि लैम्डा मिनिमम जो आएगा आपका वो आ जाएगा 1/1.1 × 10⁷ हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी, 10 पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो चला जाएगा, 10/11 × 10⁻⁷। अब आप 10/11 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आती है वो अप्रॉक्सीमेट आती है, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट क्या आप देख सकते हैं, ये वैल्यू आती है 0.9098 × 10⁻⁷ हो जाएगा। किसमें आ रहा है, मीटर में आ रही है वैल्यू, किसमें आ रही है, मीटर में वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, तो अब आप इसको चेंज करो दूसरी तरह से तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.9098 × 10⁻⁷ है, तो आप इसको कर लो 909.8 × 10⁻¹० मीटर। सही है ना, तो अब 909.8 को आप 910 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 910 × 10⁻¹० मीटर, यानी कि 910 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। बात समझ गई ना, एक वैल्यू ही कैलकुलेट करके आप आंसर ला सकते हो, यानी आपको समझ में आ रहा है कि आंसर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम सेकेंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना है, तो 1/λmax इक्वल टू आर एच की वैल्यू 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स, 1/max लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना, एन वन की वैल्यू क्या है, 1/1² माइनस 1/ क्या हो जाएगा, 2² यहाँ पर 1/λmax ही होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.1 × 10⁷ और आपको समझ में आ रहा है कि ये 1/1 माइनस 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब 1/λmax जो होगा ये इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.1 × 10⁷ इंटू ये 3/4 वैल्यू आ जाएगी। सही है ना, अब आप लैम्डा मैक्स सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 × 1.1 × 10⁻⁷ हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 4/3.3 × 10⁻⁷। ठीक है ना भाई, ये 7 जो होगा नीचे से ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4/3.3 × 10⁻⁷। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ऊपर 40/33। जब 40/33 आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगा 1.213 × 10⁻⁷ मीटर। सही है ना, और ये वैल्यू हो जाएगी 1213 × 10⁻¹० मीटर, यानी ये हो जाएगा 1213 एंगस्ट्रॉम। सही है ना, तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर जो होगा वो आपका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाई, ऑप्शन ए दिया है nh, ऑप्शन बी दिया है h/2πn, ऑप्शन सी दिया है nh/2π एंड ऑप्शन डी दिया है n² / 2π।
तो देखो आपको समझ में आता है कि बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पोस्टुलेट आपसे ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, एच बाई टू पाई के, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच बाई टू पाई के। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा, एन एच बाई टू पाई हो जाएगा आंसर। और जब एन एच बाई टू पाई हो जाएगा तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन Li2+ फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट इज, ऑप्शन ए दिया 36.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी दिया 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी दिया 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी दिया हुआ है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कह रहा है कि आपको एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है, और वो भी किसके लिए कैलकुलेशन करनी है, वो भी लिथियम आयन के लिए कैलकुलेशन करनी है, Li2+ के लिए कैलकुलेशन करनी है। और कहाँ से करनी है, कह रहा कि फर्स्ट टू थर्ड, ठीक है ना, यानी कि N1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और N2 की वैल्यू जो है वो 3 दिया हुआ है। इसके लिए आपको एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ट्रांजिशन हो रहा है यानी डेल्टा E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको याद आ रहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन का डेल्टा E इक्वल टू होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और ये होता है 1/N1² माइनस 1/N2² और वैल्यू किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप देख रहे हो कि ऑप्शन सभी के सभी ऑप्शन जो हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। चलो भाई लगा देते हैं, किसका है, लिथियम का, लिथियम का एटॉमिक नंबर बता दो जरा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। चलो भाई, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1² माइनस 1/N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3² तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13.6 इंटू 9 हो जाएगा, ये 1/1 माइनस 1/9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने इसको लिखा क्या हुआ, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो 9 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इंटू 9 इंटू 8/9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13.6 इंटू 8 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो ऑप्शन आपका बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ Li2+ हैज़ द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या कह रहा है, स्कीमेटिक तुरंत हम बना लेते हैं। आपसे कह रहा है कि कोई एक ट्रांजिशन हो रहा है, किसके लिए, लिथियम आयन के लिए, लिथियम आयन के लिए कोई ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना। Li2+ दिया हुआ है, लिथियम आयन के लिए ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये N2 है और यहाँ पर कोई N1 है, ठीक। और इसकी जो वेवलेंथ आ रही है, इसकी जो वेवलेंथ आ रही है वो वेवलेंथ इक्वल टू हो रही है किसके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ से। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ कौन सा है, वो सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का वेवलेंथ है, ये सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का वेवलेंथ है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ से आप N1 N2 की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हैं। देखिए बामर सीरीज के लिए जो होगा वो N1 की वैल्यू जो होती है वो 2, और सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज बोल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो था N1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, तो इसका मतलब है यहाँ पर N की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पर की वैल्यू 4, यानी N2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4, तो यहां पर N2 जो होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि सेकंड लाइन से जंप कर रहा है, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, समझ में आ गई ना भाई। इसके जस्ट ऊपर वाली फर्स्ट लाइन होगी, उसके ऊपर वाली कैसी होगी, सेकंड लाइन होगी, तो जब N1 की वैल्यू 2 है तो उसके ऊपर 3 होगा, इसके ऊपर 4 होगा, यानी इलेक्ट्रॉन 4 से जंप करेगा कहां पर, 2 पे। इनकी इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ आ रही है वही वेवलेंथ जो है वो लिथियम के कोई रेडिएशन की आ रही है, सही। अब कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन, यानी कि इस लाइन का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इज एन इक्वल टू 12 टू एन इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर जरा बात समझो, यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो n इक्वल टू 12 से n इक्वल टू x पर हो रहा है, यानी N2 की वैल्यू तो इसने 12 दे दी और N1 की वैल्यू क्या दे दी, x दे दी, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ x। अब आपको x की वैल्यू को पता करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है वो एक्चुअल में कंपैरिजन से ही आ जाता है। आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे और हिट एंड ट्रायल मेथड से तुरंत ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी हम रेडबर्ग फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा रेडबर्ग फार्मूला।
अब सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि हाइड्रोजन का कैलकुलेट करते हैं और हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ देखते हैं कि कितनी आ रही है। तो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेशन किया, जेड की वैल्यू 1 है और आपको समझ में आ रहा है कि N1 की वैल्यू 2 है और N2 की वैल्यू क्या है 4 है, सही। फॉर्मूला लगाए 1/λh इक्वल टू हो जाएगा क्या RHZ स्क्वायर हो जाएगा, 1/N1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/N2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1/λh इक्वल टू हो जाएगा RH, सही है, जेड की वैल्यू 1 स्क्वायर हो जाएगी, 1/N1 स्क्वायर की 2 स्क्वायर माइनस 1/N2 की 4 स्क्वायर हो जाएगी। बातें समझ में आई ना, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या 1/λh हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा क्या RH, और ये हो जाएगा 1/4 और माइनस क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, सही है ना। अब इसको फिर से देख लो तो 1/λh इक्वल टू हो जाएगा RH, अब यहाँ पर आपने ले लिया 16 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब 1/λh इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/16 RH। अब इसका मतलब यही वेवलेंथ जो होगी वो किसकी हो जाएगी 1/λ लिथियम की, यानी कि लिथियम आयन के लिए भी अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी 3/16 RH आनी चाहिए, सही है ना। लिथियम आयन के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो वेवलेंथ इस रेडिएशन की मिल रही वो वेवलेंथ सेकंड बामर लाइन की मिल रही है, तो यानी कि जो सेकंड बामर लाइन की वेवलेंथ आपको मिल रही है वही वैल्यू यहाँ पर भी आ रही होगी, यानी 1/λli+2 की वैल्यू जो आएगी वो इतनी आएगी। तो चलो भाई लगाते हैं। अब मैंने क्या किया, लिथियम के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन किया, तो जब लिथियम के लिए किया तो 1/λli+2 इक्वल टू हो जाएगा क्या RHZ स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर। अब N1 की वैल्यू कितनी है, x है, तो ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस N2 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/λli+ इक्वल टू हो जाएगा क्या RH इंटू क्या हो जाएगा 9, 1/x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/144 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में आप हिट एंड ट्रायल लगाइए। इस फॉर्मूले में सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पर x की वैल्यू 8 पुट करिए। जब आप x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि 3/16 RH नहीं आएगा 1/λli+2 का, ठीक है। फिर जब जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे कौन से x इक्वल टू 6, तो यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो 3/16 RH आ जाएगी। यहाँ पर आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसका यूज़ करोगे, क्योंकि इसके आगे भाई आपको क्या करना है, जो वेवलेंथ आनी है ये वाली जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए 3/16 RH। तो अब आप हिट एंड ट्रायल लगाओ, आप पहला ऑप्शन 8 रखो, जब आप x की वैल्यू 8 रखोगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन जैसे आप x की वैल्यू 6 रखोगे वैसे की वैसे ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा और यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λli+ इक्वल टू हो जाएगा RH × 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 स्क्वायर माइनस 1/144, जाएगा 1/λli+2 इक्वल टू हो जाएगा RH × 9, ये हो जाएगा 1/36 माइनस 1/144। आप इसको सॉल्व करना और सॉल्व करेंगे तो 1/λli+2 की वैल्यू जो आएगी वो 3/16 RH आ जाएगी। आप एक बार इसको देख लेना, ऑप्शन आपका जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन H दिया हुआ है, ड्यूटेरियम उसका सिंबल D दिया हुआ है, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम HE+ दिया हुआ है एंड डबली आयनाइज्ड लिथियम Li2+ दिया हुआ है। कह रहा है कि ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। भाई हमको ये पता है कि हाइड्रोजन जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, ड्यूटेरियम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, हीलियम में 2 होते हैं लेकिन एक दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और लिथियम में 3 होते तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो यहाँ पर कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। सारे के सारे जो होंगे वो वन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसका मतलब ये होगा कि ये सारे के सारे बोर्स थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे बोर्स थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। चलो ठीक, कह रहे कि कंसीडर द N=2 to N=1। आपसे कह रहा है कि यहाँ पर ट्रांजिशन जो हो रहा है वो N=2 से लेके N=1 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन आर λ1, λ2, λ3 and λ4 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हाइड्रोजन की जो वेवलेंथ दे दी है इसने वो λ1 दे दी है, ड्यूटेरियम की λ2 दे दी है, हीलियम की λ3 दे दी है और लिथियम की दे रहा है λ4, सही है। कह रहा है कि देन अप्रॉक्सिमेटली, और ऑप्शन ए दिया हुआ है λ1=λ2=4, λ3=9, λ4 बी दे रहा है 4λ1=2λ2=2λ3=λ4।
सी दे रहा है लैम्डा वन इक्वल टू टू लैम्डा टू इक्वल टू टू रूट टू लैम्डा थ्री इक्वल टू थ्री रूट टू लैम्डा फोर, और डी दे रहा है लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू इक्वल टू टू लैम्डा थ्री इक्वल टू थ्री रूट टू लैम्डा फोर। सही है ना। अब यहाँ पर जरा एक बात देखो कि जितने भी आयन आपको दिए गए हैं या एटम दिए गए हैं उनमें एक ही ट्रांजिशन दिया है n इक्वल टू 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 एन इक्वल टू वन। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे माइंड में सेट हो चुका है कि आपको रेडबर्ग फार्मूला यहाँ पर लगाना है। तो चलिए भाई हम यहाँ पर रेडबर्ग फार्मूला से को यूज़ करते हैं और एक जनरल इक्वेशन जो है वो लेते हैं और फिर उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए रेडबर्ग फार्मूला जो होता है वो वन बाई लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आर एच जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर। अब यहाँ पर एन वन क्या है, एन वन जो होता है वो लोअर एनर्जी लेवल होता है या ग्राउंड स्टेट होती है और एन टू क्या होता है, एन टू जो होता है वो अपर एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो अपर एनर्जी लेवल कौन सा ये है, तो इसका मतलब ये इसका टू हो जाएगा एन टू हो जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल कौन सा ये है तो ये एन वन हो जाएगा। तो चलिए हम वैल्यू रखते हैं तो ये वन बाई लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आर एच और ये जेड स्क्वायर हो जाएगा वन बाई वन स्क्वायर माइनस वन बाई टू स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वन बाई लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आर एच जेड स्क्वायर हो जाएगा वन बाई वन हो जाएगा माइनस वन बाई फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फोर एलसीएम ले लेंगे यानी थ्री बाई फोर हो जाएगा। तो वन बाई लैम्डा इक्वल टू जो होगा वो आर एच जेड स्क्वायर और ये थ्री बाई फोर हो जाएगा यानी मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अच्छा जरा हम लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो लैम्डा को रिवर्स कर देते तो इसका मतलब क्या हुआ लैम्डा ये रिवर्स हो गया, तो रिवर्स हो गया तो अब ये थ्री बाई फोर का क्या हो गया फोर बाई थ्री हो गया और ये ऊपर था नीचे आ गया इंटू क्या हो गया वन बाई आर एच इंटू जेड स्क्वायर हो गया। अच्छा अगर मैं जेड स्क्वायर को इधर साइड ले जाऊँ तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या लैम्डा इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा फोर बाई थ्री इंटू आर एच हो जाएगा। देखो भाई जेड स्क्वायर में उठा के ले गया इधर साइड तो ये क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री इंटू सॉरी वन बाई आर एच बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी फोर बाई थ्री इंटू आर एच ये वाला था, ठीक है वो मिस्टेक से लिख दिया, तो ये मेरे पास बचेगा। अब मेरे को एक बात ज़रा बताओ तुम लोग, अब ज़रा एक बात बताओ क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है। हाँ है, क्यों, क्योंकि ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये जो है वो क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट है और जब ये रेडबर्ग कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी की सारी ये वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट। क्या ये सारे एटम के लिए होगी, हाँ भाई जो एटम और आयंस दिए गए उनके लिए होगी, क्यों लैम्डा इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट होगी किसके लिए सबके लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि लैम्डा इंटू जेड स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है वन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू जेड स्क्वायर ऑफ ड्यूटीरियम, तो हाइड्रोजन का लैम्डा क्या है लैम्डा वन है, ठीक है ड्यूटीरियम का लैम्डा क्या है लैम्डा टू है इंटू जेड स्क्वायर क्या होगा जेड की वैल्यू इसकी ड्यूटीरियम की कितनी है वन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू जो होगा वो लैम्डा थ्री किसका है हीलियम का, ठीक है इंटू जेड इसका करो तो जेड है टू फोर टू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा फोर इंटू थ्री स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको कुछ समझ में आ रही है क्या, मैं कह रहा हूँ कि लैम्डा इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी फॉर ऑल स्पीसीज जो दी गई हैं उन सभी के लिए होगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन का जो आएगा वो इक्वल टू ड्यूटीरियम का हो जाएगा इक्वल टू ट्राई हीलियम का हो जाएगा इक्वल टू लिथियम का हो जाएगा। ठीक है, क्या लैम्डा इंटू जेड स्क्वायर। ठीक, अब हाइड्रोजन के लिए लैम्डा की वैल्यू लैम्डा वन है तो लैम्डा वन इंटू वन स्क्वायर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है, इसके लिए टू है तो एटॉमिक नंबर वन है तो लैम्डा टू इंटू वन स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए लैम्डा थ्री है और एटॉमिक नंबर कितना है टू है तो ये लैम्डा थ्री इंटू टू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर लैम्डा फोर इंटू क्या हो जाएगा थ्री स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो लैम्डा वन इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा टू इक्वल टू हो जाएगी फोर लैम्डा थ्री इक्वल टू हो जाएगी नाइन लैम्डा फोर। सही है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ अ लाइमन सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 912 एंगस्ट्रॉम देन द सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ फॉर द बामर सीरीज हाइड्रोजन एटम इज, ऑप्शन ए दिया है 912 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी दिया है 912 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी दिया है 912 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन डी दिया है 912 बाई 2 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर जो है वो आपसे क्या कर रहा है सीरीज लिमिट की बात तो कर रहा है और साथ ही साथ एक ही एटम की भी बात कर रहा है हाइड्रोजन की ही बात कर रहा है, यानी हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू वन है। और आपको एक बात ये समझ में आती है कि अगर आप सीरीज लिमिट की बात करते हैं तो सीरीज लिमिट का मतलब क्या है इन्फाइनाइट, एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फाइनाइट और एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए एन वन की वैल्यू की अगर आप बात करते हो तो एन वन की वैल्यू वन होती है लाइमन सीरीज के लिए और एन वन की वैल्यू जो है वो टू होती है, एन वन की वैल्यू टू होती है बामर सीरीज के लिए। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर है ना।
चलो भाई अब हम जरा क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है और वेवलेंथ की एक की वैल्यू भी दी गई है, वो किसकी दी गई है, लाइमन की, और उससे कंपेयर करके हमको बामर सीरीज का कैलकुलेशन करना है। तो चलो भाई देख लेते हैं, फॉर्मूला हमने लगाया क्या है, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा क्या आर एच जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। रेडवर्क फार्मूला है, सबको पता है। अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटी की बात करें यानी कि सीरीज लिमिट की बात करें तो यह 1 बाई लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आर एच, और जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख दी तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ही दोनों हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर हो जाएगा, और आपको इस समझ में आ रहा है कि 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर क्योंकि n2 की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी दोनों ही केस में, क्योंकि दोनों ही केस में वो लिमिट सीरीज लिमिट की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज बोल रहा है और ऊपर भी सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर ये इन्फिनिटी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये समझ में आएगा कि 1 बाई लैम्डा इन्फिनिटी इक्वल टू हो जाएगा क्या आर एच अपॉन एन वन स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास एक कॉमन फार्मूला जो होगा वो जनरेट होके आ गया, अपने पास एक कॉमन फार्मूला जनरेट होके आ गया 1 बाई लैम्डा इन्फिनिटी इक्वल टू आर एच वन अपॉन आर एच बाई एन वन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब चलो इसको लगा देते हैं। तो देखो हमारे पास दो सीरीज हैं, एक तो मेरे पास लाइमन सीरीज है और दूसरी बामर सीरीज है। एन वन की वैल्यू यहाँ पर 1 है और एन टू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है। तो चलो भाई हमने लाइमन सीरीज के लिए लगाया तो ये 1 बाई लैम्डा इन्फिनिटी इक्वल टू आ जाएगा क्या आर एच अपॉन 1 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई आर एच के इक्वल आ गई, यानी कि 1 बाई लैम्डा इन्फिनिटी इक्वल टू आ गई क्या आर एच, और इसको मैं लाइमन के लिए इसको एल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर बामर के लिए मैं कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा बी मैं लिख दे रहा हूँ, इन्फिनिटी का हटा दिया मैंने अब बी लिख दिया, ठीक है ना। ये इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एच बाई एन टू स्क्वायर, तो एन वन स्क्वायर तो एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 बाई लैम्डा बी इक्वल टू जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा आर एच बाई 4, सही है ना। अब मेरे को एक बात बताओ आर एच की वैल्यू क्या है, आर एच की वैल्यू जो होगी वो 1 बाई लैम्डा एल है। आर एच की आर एच यहाँ पर देख रहे हो तो आर एच इक्वल टू क्या है 1 बाई लैम्डा एल है, तो यहाँ पर मैं 1 बाई लैम्डा एल लिख दे रहा हूँ। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 बाई लैम्डा बी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई लैम्डा एल इंटू 1 बाई 4। देखो ना यहाँ पर आर एच की वैल्यू जो है वो क्या है 1 बाई लैम्डा एल के इक्वल है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा बी इक्वल टू हो जाएगा आर एच की जगह मैंने 1 बाई लैम्डा एल लिख दिया और इनटू ये क्या हो जाएगा 1 बाई 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो मेरे पास आ जाएगा क्या लैम्डा बी इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा एल इनटू क्या हो जाएगा 4। अब लैम्डा एल क्या है, लैम्डा एल जो होगा वो लिमिटिंग वेवलेंथ है किसकी लाइमन सीरीज की, और इसकी वैल्यू भी दे रहा है क्या 912। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लैम्डा बी इक्वल टू हो जाएगा 912 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। यानी आंसर जो आएगा आपका बी आंसर सॉरी सी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोडक्ट, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप दिए हैं और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एथेनॉल की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन कराई गई है और सेकेंड में हाइड्रोलिसिस कराई गई है एसिडिक मीडियम में। क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो भाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको याद आ रहा है कि ये कैसा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैसा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो COOH को किस में बदलेगा, CH2OH में बदलेगा, सही है ना। तो जब ये CH2OH में बदलेगा तो क्या दोनों को बदलेगा, हाँ भाई दोनों को बदलेगा। तो जब दोनों को बदलेगा तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट होगा क्या, ना यहाँ पर एक ही बदला ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर दोनों को बदला ये करेक्ट मान लेते हैं। चलो यहाँ पर ये वाली प्रोसेस होगी क्या, तो यहाँ पर देखिए ये बदला है इसके साथ में एस्ट्रिफिकेशन करा दिया, जबकि यहाँ पर एस्ट्रिफिकेशन की जैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखिए तो COOH बचा हुआ है और ये एस्ट्रिफिकेशन भी हो गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आंसर यहाँ पर सेकंड जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई जिप्सम इज यूज्ड इन सीमेंट, सीमेंट में जिप्सम का यूज़ क्यों करते हैं। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द हाइड्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, दूसरा कह रहा है टू गिव अ हार्ड मास, सी कह रहा है टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट, और डी है टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जो सीमेंट है इसमें जिप्सम का को हम ऐड करते हैं किसके लिए, इसलिए कि यहाँ पर जो सेटिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाए।
अच्छा स्लो हो जाए तो क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो सेटिंग होगी वो सीमेंट की बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बात समझे? क्यों? क्योंकि स्लो प्रोसेस होगी तो स्लो प्रोसेस में मॉलिक्यूल जो होंगे उनके बीच में बाइंडिंग जो होगी वो बढ़िया होगी, और जब बाइंडिंग बढ़िया होगी तो सीमेंट जो होगा वो बढ़िया से सेट होगा। बात समझे ना? तो यहाँ पर जो सेटिंग प्रोसेस होती है उसको स्लो करने के लिए जो होता है जिप्सम को ऐड किया जाता है किसमें? सीमेंट में। इसलिए आंसर जो है वो यहाँ पर सी हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन वन मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट देयर इज, ऑप्शन ए है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ml ऑफ ए सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि आपको यहाँ पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी बतानी है और आपको दिया क्या है, वन मोलल सॉल्यूशन दिया गया है और उसमें 0.5 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। कैसे भाई? मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी किलोग्राम। सही है ना? अब मोलैलिटी कितनी दी गई है, 1 दी गई है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए हैं, 0.5 दिए हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसमें है, केजी में। ठीक है ना? यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट केजी में आ गया कितना, 0.5 केजी। तो 0.5 केजी के ग्राम कितने हुए, 500 ग्राम। यानी 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ml ऑफ सॉल्वेंट एंड 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। आपको कैल्शियम दिया, मैग्नीशियम दिया, स्ट्रॉन्शियम दिया और कैल्शियम पोटेशियम दिया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आप पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनको अरेंज करिए, और अरेंज करने के बाद आप उसमें लॉजिक लगाइए कि पीरियड में जाने पर क्या होगा और ग्रुप में जाने पर क्या होगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए जरा देख लेते हैं। देखो अगर हमने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसको अरेंज किया तो अरेंज करने पर आपको समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद आएगा कैल्शियम और कैल्शियम के बाद आएगा स्ट्रॉन्शियम। अभी कैल्शियम का कितना एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसके पहले 19 ये पोटेशियम आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है। अब मेटल की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर आप चलते हो, तो लेफ्ट टू राइट चलते हो तो मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और अगर आप टॉप टू बॉटम चलते हो तो मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप टॉप टू बॉटम चलते हो तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे, इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे पास कौन सा होगा, तो एल्कली मेटल जो होते हैं, वैसे भी एल्कलाइन मेटल से क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि पोटेशियम जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा अमंग देम। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम जो होता है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो पोटेशियम से कम होती है। ठीक है ना? तो इसलिए आंसर यहाँ पर जो करेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्स ओनली एटम्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट NTP, व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट। और ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही करना है क्या है, चलिए देखते हैं। आपसे कह रहा है कि 20 ग्राम एक आइडियल गैस दी गई है, आपके पास में एक आइडियल गैस है और ये कितनी है, 20 ग्राम है, और इसमें केवल और केवल सल्फर है और ऑक्सीजन है। चलो भाई ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है वो NTP पे आपको जो मिल रहा है, NTP पे इसका वॉल्यूम मिल रहा है 5.6 लीटर। तो आपसे कह रहा है कि इसका मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस आप बता दीजिए कि मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ कि अगर आपको गिवन वॉल्यूम दिया हो, अगर आपको गिवन वॉल्यूम दिया है तो क्या आप उससे मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई? मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इक्वल टू हो जाएगा गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम कितना है, तो 5.6 लीटर, मोलर वॉल्यूम कितना, 22.4। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। ठीक, तो मोल्स आपको पता चल गया कि 1/4 मोल जो होंगे वो इस गैस के होंगे। ठीक है, अब इस गैस का वेट आपको दिया है, क्या मोल पता हो जाए और वेट पता हो जाए तो मॉलिकुलर वेट आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। कैसे? आप फॉर्मूला लगाओगे, मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिकुलर वेट,
वेट की वैल्यू आपको जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 20 दिया गया है, और मॉलिकुलर वेट 1/4 दिया है, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 20 × 4 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 80 ग्राम। आंसर जो मॉलिकुलर वेट का आएगा वो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी कि आंसर सेकेंड जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, आपको अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला भी दिया है, NH4O3PO4 कंटेन्स 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक सैंपल दिया गया है, किसका, अमोनियम फॉस्फेट का, NH4O3PO4 का आपको एक सैंपल दे दिया गया है, और इस सैंपल में हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, ठीक, अच्छा 6 मोल है। कह रहे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सैंपल इज, तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के मोल बताने हैं कि कितने होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। जरा हम इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N3H12PO4 हो जाएगा। जरा देखिए, ये हो जाएगा N3H12PO4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही कंपेरिजन करना है, तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 12 हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4, बट चाहिए हाइड्रोजन अगर मेरे पास 6 हो तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 2, यानी आंसर जो होगा वो करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 आंसर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द वैनेडियम ऑक्साइड इफ 2.74 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ वैनेडियम दिया हुआ है 52, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है तो आपको समझ में आता है कि आप मोलर रेशियो से कैलकुलेट करते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला बना लेते हैं। तो कह क्या रहा है, कह आपसे ये रहा है कि आपको एक वैनेडियम ऑक्साइड दिया गया है और उस वैनेडियम ऑक्साइड का वेट जो है वो 2.74 ग्राम है, ठीक है ना, और उसमें जो है 1.53 ग्राम मेटल है। इसका मतलब है कि 1.53 ग्राम जो है इसमें क्या मेटल है, तो कितना, 1, ये हो जाएगा 2.1, यानी 1.21 ग्राम जो होगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी इसमें 1.21 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन हो जाएगा। अब बस क्या करना है, मोल निकाल लेने किसके, मेटल के, और मोल निकाल लेने किसके, ऑक्सीजन के, और उसका रेशियो से हम यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, मोल्स ऑफ मेटल कैलकुलेट किया, तो मोल्स ऑफ मेटल जो होगा ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी 1.53, और मेटल का वेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 52 आ रहा है, मेटल का वेट जो आ रहा है वो कितना, 52 आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट 0.029 आती है। इसी तरह से हम यहाँ पर निकाल लेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो ये वैल्यू जो है 1.21 है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू जो आती है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 0.075 आती है, ठीक है। अब बस आपको मोल रेशियो निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.75 डिवाइड बाई 0.029, और फिर ये हो जाएगा 0.029 डिवाइड बाई 0.029, ठीक है ना। तो ये कौन है, ये जो है वो ऑक्सीजन है, और ये क्या है, मेटल है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो कितनी आ जाएगी, 2.5 आएगी, और यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी, 1 आएगी, तो ये 1 है और ये 2.5 है, तो ये 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, M2O5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, M2O5 बन जाएगा, यानी आंसर जो आएगा वो क्या जाएगा, V2O5 आ जाएगा, यानी 4 आंसर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।